हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छा ही होगा। रोज की तरह मैं आज एक नया दवा का रिव्यू लेकर आया हूं, जिसे नोरोक एंड गोल्ड आरएफ के नाम से जाना जाता है। यह दवा मार्केट में बहुत ही प्रचलित है। इस दवा का प्राइस, उपयोग, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन सब बताने वाला हूं। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन वर्सेस नेचुरल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस दवा को मल्टकिस कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक फेमस कंपनी है। इस दवा की प्राइस की बात करें तो एक स्ट्रिप की कीमत 97 रुपये के करीब पड़ती है, जिसमें कि 10 कैप्सूल रहते हैं, जो कि समय के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। यह दवा आपको कोई भी लोकल केमिस्ट के दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। इस दवा की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली 2 कंपोजिशन पाए जाते हैं, पहला मल्टी विटामिन और दूसरा मल्टी मिनरल्स। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस दवा का उपयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। इस दवा के उपयोग से हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल को पूरा किया जाता है, और इस दवा के उपयोग से हमारे शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी किया जाता है। इस दवा के सेवन से हमारे शरीर में कमजोरी और थकान की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, और इस दवा का इस्तेमाल हाथ पाँव में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, खून की कमी इत्यादियों में किया जाता है। इस दवा की डोज की बात करें तो इसे खाने के बाद 1 टैबलेट लिया जाता है, लेकिन आपको डॉक्टर आपको जैसे बोले वैसे ही लेना है। इस दवा के दुष्प्रभाव की बात करें तो पेट दर्द, कब्ज होना, अधिक प्यास लगना, गैस होना, सूजन आना इत्यादि शामिल है। इस दवा का दुष्प्रभाव इलाज के बाद जल्द ही समाप्त हो जाती है। हालांकि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। प्रिकॉशन की बात करें तो प्रेग्नेंट महिला, स्तनपान कराने वाले महिला, साथ ही साथ किसी की सर्जरी हुई हो और 18 साल से नीचे के बच्चों को एक बार लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो दोस्तों जब भी इस दवा को लें डॉक्टर की सलाह से ही लें। अन्य कोई भी आपको सलाह दे उनकी सलाह बिल्कुल ना माने, क्योंकि उसे यह नहीं पता है कि इस दवा को किसी अन्य दवा के साथ लेने से हमारे शरीर में गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए जब भी इस दवा को ले डॉक्टर की सलाह से ही ले। इन सभी सावधानियों के अलावा इस दवा को गाड़ी चलाते समय लेना सुरक्षित है और इसकी लत भी लग सकती है। यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।